आइए, हम लोगों ने पब्लिक इशू मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। पब्लिक इशू मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पब्लिक इशू से रिलेटेड, राइट इशू से रिलेटेड, इम्प्लॉय को इशू करने से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, ये सारे जो है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में दिया हुआ है। फिर हम लोगों ने पब्लिक ऑफर का मतलब देखा था, इसके बाद ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना था। ऑफर डॉक्यूमेंट के बाद हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा था कि अगर कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहे तो किस तरह से उसे रेगुलेशन 6(1) या रेगुलेशन 6(2) अल्टरनेट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। कंप्लीट प्रोसेस हमने देखा था पब्लिक इशू का, और हम पहुंचे थे राइट इशू पे, जहां हमने जो है वो राइट इशू के बारे में जाना था और ये भी देखा था कि कंपोजिट इशू जब हम करते हैं तो कैसे राइट इशू और पब्लिक इशू दोनों करते हैं। फिर हम लोगों ने प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में कौन कौन मदद करते हैं, किन किन शेयर्स को प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में हम शामिल नहीं करेंगे, और प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसका लॉक इन पीरियड क्या रहेगा, कौन कौन सा एस्पेक्ट लॉक इन पीरियड का एक्सेप्शन माना जाएगा। फिर हम लोग बुक बिल्डिंग के बारे में जाने थे, बुक बिल्डिंग के कंप्लीट एस्पेक्ट को, लॉट साइज जाने थे, लॉट साइज को हमने प्रैक्टिकली जो है वो क्या किया था, डिटरमाइन किया था, और इन चीजों को करने के बाद सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए हम पहुंचे थे ग्रीन टू ऑप्शन पे, जहां हमने देखा था कि किस तरह से पोस्ट इशू प्राइस स्टेबिलाइजेशन का मैकेनिज्म है ग्रीन टू इशू, जिसके कारण जिसके मदद से आप शेयर को ट्रेड करने के बाद, लिस्ट करने के बाद जब उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और अगर अनरीजनेबल अप या अनरीजनेबल डाउन है तो उसे कंट्रोल करते हैं। फिर हमने एएसबीए मैकेनिज्म के बारे में जाना था, जिसके में हमने देखा था कि अगर कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने अप्लाई किया और उन्हें शेयर नहीं मिलता है ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन या प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट के कारण, तो जिनको जिनको शेयर नहीं मिले, जिनके पैसे जो है वो वापस करने होते थे, उनके पैसे मंगाने की बजाय हम लोगों ने उन्हें उनके ही अकाउंट में एएसबीए मैकेनिज्म से ब्लॉक कर दिया, उस बीच का ऑपर्चुनिटी कॉस्ट उनका बिल्कुल नहीं जाएगा। बैंक के साथ जो उनका रिलेशन, जो एग्रीमेंट, जो टर्म्स कंडीशन है डिपॉजिट का, उतने का इंटरेस्ट उन्हें एज इट इज मिलता रहेगा। इसके बाद हम लोग पहुंचे थे एंकर इन्वेस्टर पे, जहां हमने देखा था कि क्यूआईबी का ही वो कुनबा जो एसएमई एक्सचेंज में शेयर के इशू होने पे 2 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करे, या मेन बोर्ड पे मेन एक्सचेंज में जो है वो इशू होने पे 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करे, वो क्यूआईबी के भीतर वो एंकर इन्वेस्टर कहलाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स का अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप एंकर इन्वेस्टर अपॉइंट करते हैं तो आपको कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, और हमने मेन बोर्ड के लिए और एसएमई एक्सचेंज दोनों के लिए वो कंप्लायंसेस देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर कंपनी को जल्दी है प्रोजेक्ट शुरू करने की, तो ऐसे केस में वो फास्ट ट्रैक इशू ला सकती है, लेकिन रेगुलेशन 6(1) और 6(2) के जो कंप्लायंसेस है वो एज इट इज उनको फुलफिल करने पड़ेंगे। इन एडिशन टू दैट उनको कुछ और कंडीशन दिए गए, और वो कंडीशन अगर वो फुलफिल करते हैं तो फास्ट ट्रैक इशू ला सकते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रेफरेंशियल इशू के बारे में, जहां हमने देखा था कि किस तरह से अगर आप खास तरह के लोगों के बीच में शेयर इशू करना चाहे, प्रमोटर चाहे वो क्यूआईबी हो या एनआईआई हो, तो आप उनके बीच कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कुछ कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पे हमारा प्राइसिंग नॉर्म्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया, और ये प्राइसिंग नॉर्म्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इसलिए आया ताकि ऐसा ना हो कि आप सस्ते दामों पे अपने शेयर जो है, कंपनी के शेयर जो है वो प्रमोटर को, क्यूआईबी को या किसी पर्सन को किसी खास तरह के जो है वो कहिए फेवर के कारण दे रहे हैं, कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पे प्राइसिंग मैकेनिज्म और यहाँ पे प्राइस का जो है वो आपको जो है वो क्या दिया, तरीका दिया, और कहा कि इसी प्राइसिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप शेयर इशू कर सकते प्रेफरेंशियल इशू। यहाँ पे अगर कंपनी के शेयर 6 मंथ्स या उससे ज्यादा दिनों से लिस्टेड है तो कंप्लायंसेज है, अगर ये जो है वो 6 मंथ्स से कम है तो प्राइसिंग नॉर्म दिया हुआ है। इन चीजों को करने के बाद हम लोग पहुंचे थे कि इम्प्लॉय को अगर हम बेनिफिट देना चाहते हैं तो इम्प्लॉय को कंपनी जो बेनिफिट देती है उसके अलग अलग तरीके हैं, जिसमें स्टॉक के जरिए, इम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के जरिए, फिर आपका जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के जरिए, जनरल इम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के जरिए, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम के जरिए, इन सब के तहत आप कुछ उन्हें बेनिफिट दे सकते हैं, कुछ शेयर्स देकर के बेनिफिट दे सकते हैं, कुछ उनके लिए अलग अलग तरह के फैसिलिटी क्रिएट करके उनको बेनिफिट दे सकते हैं, जैसे उनके डिपेंडेंट के लिए, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल, सिकनेस बेनिफिट, मेडिकल अलाउंस, ऐसे कुछ फैसिलिटीज दे सकते हैं। इन फैसिलिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रैक्टिकल और जो इमिनेंट चीज है वो है इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और इम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो हमने एक एक करके चीजों को पढ़ना था, लेकिन सबसे पहले हमने देखा कि इम्प्लॉय हम किसे कहेंगे, यानी कि इन बेनिफिट्स को देने के लिए कौन इम्प्लॉय के कैटेगरी में आएंगे। हमने इम्प्लॉय देखा था और देखा था कि किस किस इम्प्लॉय को इस कैटेगरी में हम शामिल नहीं करेंगे। फिर हमने जो है वो इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम पढ़ना शुरू किया था और देखा था
इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम देने का मकसद इतना ही है कि इम्प्लॉय को रिटेन करना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं और कंपनी के पास पैसे भी आ जाए, ये तीनों ही हमारा मकसद है। तो ऐसे में इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लेकर के आते हैं। ये इस तरह से इश्यू किया जाता है कि इम्प्लॉय रिटेन होकर के भी रहेंगे, मोटिवेटेड भी रहेंगे। इनके तीन स्टेप्स को हमने देखा था, ग्रांटिंग ऑफ इशू, वेस्टिंग ऑफ इशू एंड एक्सरसाइजिंग इशू। तो ये सब हमने देख लिया था, यहाँ तक का सफर ऑलरेडी हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। जल्दी बताइए, यहाँ तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द, वरना इजाजत दीजिए आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे? यस सर। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब जरा आते हैं कि अगर कोई कंपनी है और वो क्या करना चाह रही है, इशू जारी करना चाह रही है, हम किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, किस तरह के कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, बता सकते हैं आप मुझे? लिस्टेड कंपनी। क्यों, क्या कोई अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी इशू जारी नहीं कर सकती? कर सकते हैं, कर सकती है, करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारा ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब हम सिक्योरिटीज लॉ कैपिटल मार्केट के बारे में बात करते हैं तो कैसी एंटिटी के बारे में बात करते हैं, जो लिस्टेड है या लिस्ट होने जा रही है उस एंटिटी की। तो हमारा ज्यूरिडिक्शन यहाँ लिस्टेड का है। अब क्या क्या बेसिकली कंडीशन रखा, वो कंडीशन जरा देखिए। सबसे पहले कहा कि आप कौन सी मीटिंग बुलाइए, बोर्ड मीटिंग। ऑब्वियसली बात है, कोई भी काम होगा पहले बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग में इशू को अप्रूव किया गया और क्या बनाया गया, कंपनसेशन कमिटी। ये कंपनसेशन कमिटी बेसिकली तय करते हैं कि ये जो हमारा ग्रांटिंग और वेस्टिंग के बीच का टाइम है 1 से 8 साल, ये तो फ्रीडम दिया गया ना कंपनी को, कंपनी ये 1 साल भी रख सकती है, 8 साल भी रख सकती है, राइट कह रहा हूँ रॉन्ग है? यस सर। कंपनी 8 साल रखेगी तो कोई कॉन्ट्रावेंशन है? नो सर। अब ये दूसरी बात है कि इम्प्लॉय कितना जो है वो उसे लुक्रेटिव मानेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्या ये कोई कॉन्ट्रावेंशन होगा प्रोविजन का? नो सर। अगर यहाँ पे उन्होंने जो है मैक्सिमम 5 ईयर है, उन्होंने 5 ईयर रख दिया, रख सकते हैं या नहीं? यस सर। अगले ही दिन एक्सरसाइज करा सकते हैं या नहीं? यस सर। तो ऐसे केस में ये तय कौन करे, का कोई तो कमिटी बैठेगी, तो इसी के लिए जो है वो कमिटी का नाम क्या है, कंपनसेशन कमिटी, जो ड्राफ्ट करती है स्कीम को कि किस लोग को कितना देंगे, कब कब कितना अमाउंट का जो है वो वेस्ट होगा, कब वो एक्सरसाइज होगा, क्या प्राइस रहेगा, सारे के सारे टर्म्स क्लियर है। तो कंपनसेशन कमिटी जो है वो स्कीम को क्या करेगी, प्लान को ड्राफ्ट करेगी, फिर जो है वो मीटिंग बुलाए जाएंगे क्या करने के लिए, फाइनल स्कीम को क्या करने के लिए, एडॉप्ट करेंगे। पहले तो आप ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे तो फिर मीटिंग बैठे, जो कमिटी थी कंपनसेशन कमिटी उन्होंने बताया, अब उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना आपस में डिस्कशन कीजिए, उसे अडॉप्ट कीजिए और तब अपॉइंट कीजिए किनको, मर्चेंट बैंकर को, एंड अप्रूव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग फॉर किसके लिए, शेयर होल्डर अप्रूवल, अब शेयर होल्डर्स अप्रूवल के लिए, ठीक है, भेज दीजिए, जनरल मीटिंग कन्वीन कीजिए और शेयर होल्डर्स का क्या ले लीजिए, अप्रूवल ले लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए स्टॉक एक्सचेंज को फॉर ऑब्टेनिंग व्हाट, प्रिंसिपल अप्रूवल। अब मुझे बताइए क्यों लेंगे इन प्रिंसिपल अप्रूवल, क्योंकि वो आगे जाके सिक्योरिटी लिस्ट भी तो होगी। हाँ जी, क्योंकि वो जो शेयर्स पहले से लिस्टेड थे, ठीक है, वो लिस्ट थे, लेकिन जो नए जितने बार भी करते हैं उनको भी लिस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में या नहीं? यस सर। तो इसके लिए आप याद कीजिए, राइट इशू में भी हम लेते थे अप्रूवल या नहीं, प्रेफरेंशियल इशू में लेते थे अप्रूवल या नहीं? यस सर। लिस्टिंग परमिशन तो हर जगह लेना पड़ेगा, उसे लिस्ट करना पड़ेगा, तभी तो उन शेयर्स की भी ट्रेडिंग होगी। इसके बाद इशू ऑफ लेटर ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू एलिजिबल एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय को दीजिए क्या करने के लिए, अलोंग विथ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्शन, ये ऑप्शन है या जबरदस्ती है, ऑप्शन है या जबरदस्ती है, कंपल्सरी है, वॉलंटरी ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन है, इसका मतलब ये वॉलंटरी है, जिस इम्प्लॉय को मर्जी होगा, ठीक है, आप भले सस्ते में दे रहे उनके अकॉर्डिंग ये सस्ता होगा तब ना, उनको ठीक लगेगा तब ना, उनका प्रेडिक्शन होगा कि उस समय कंपनी का शेयर वैसे ही सस्ता रहेगा, पॉसिबल है या नहीं? यस सर। वो बोलेंगे मुझे मगजमारी नहीं करना है, मुझे ये नहीं लेना है, उनकी मर्जी, आप उनको ऑफर दीजिए और ऑफर के साथ में क्या दीजिए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्शन। जिन्होंने ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्शन दिया है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब उन्होंने हाँ कहा है, आप चाहे तो उनसे क्या ले सकते हैं, अपफ्रंट पेमेंट। अपफ्रंट पेमेंट का मतलब होता है कुछ पैसे आप चाहे तो ले सकते हैं, कि आपको ये शेयर हम 100 रुपए में देंगे,
अभी आप जो है वो मान लीजिए कि एग्जांपल दे रहा हूं, कितने दे दीजिए 20 रुपीज, तो इसका मतलब हम मानेंगे कि आप जो है वो लेना चाहते हैं। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, ये च्वाइस क्या है आपका होगा। तो अगर कोई अपफ्रंट पेमेंट है तो वो क्या करेंगे, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ क्या लगा करके देंगे, अपफ्रंट पेमेंट देंगे, फ्रॉम द एम्प्लॉय इशू द ऑप्शन सर्टिफिकेट, और तब आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे। आपका जब वेस्टिंग पीरियड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वेस्टिंग पीरियड मिनिमम कितना है, 1 ईयर, तब ऑप्शन उनके नाम से वेस्ट होगा। अगर इस बीच में वो मरमुड़ गया या कुछ हो गया तो क्या उनके लीगल हायर एलिजिबल होंगे इसे लेने के लिए? नो सर। क्या वो कंपनी का जॉब छोड़ करके चला गया तो क्या वो एलिजिबल है इसे एक्सरसाइज करने के लिए? किस पीरियड तक, इस पीरियड तक कंपनी में क्या करना पड़ेगा, टिकना ही पड़ेगा। अगर आपको ध्यान हो, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि आपको याद रह सके, एग्जाम देंगे तभी ना पापा ने जो कहा है कि बेटा आईफोन या दिस फोन या दैट फोन, एग्जाम में अपियर होंगे तब ना, एग्जाम में ही अपियर नहीं हुआ तो उसके बाद रिजल्ट का वेट करते रहेंगे? नो सर। तो ऐसे ही एक पड़ाव यहाँ पे है कि उनको वेस्टिंग पीरियड तक क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। At that time, the company shall issue letter of vesting along with letter of exercise of option. अभी आपको grant का दिया, vesting period में रह गए, तब आपको क्या किया? Letter of क्या दे दिया? Vesting दे दिया कि अब आपके नाम से vest हो गया। उस समय क्या हुआ था, आपके नाम से grant हुआ था, और साथ में क्या देगा? Letter of exercise of option कि अब आप चाहे तो option को exercise करना या नहीं करना किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। लेकिन हमारे तरफ से हमने आपको जो है वो क्या कर दिया, हमने आपको अपने तरफ से एलिजिबल कर दिया। अब आप एलिजिबल है क्या करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। रिसीट ऑफ लेटर ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय जो है वो क्या करता है, इसको एक्सरसाइज करता है, तो आप जो है वो कंपनी को दीजिए कि हम ये एक्सरसाइज करने को क्या है, तैयार है। एक्सरसाइज करते समय भी आप मुकर सकते हैं या नहीं? यस सर, एकदम मुकर सकते हैं, आप मुकर सकते हैं। यहाँ पे आए, मान लीजिए कि ये इशू हुआ था, एग्जांपल लेते हैं 2022 में, ये जो था पहुंचते पहुंचते 2023 हो गया, ठीक है। मान लीजिए 1 जनवरी, यहाँ पहुंच गए हम 2 फरवरी, 1 महीने 1 दिन का रख लिया। अब एक्सरसाइज किया उसके भी जो है वो 1 महीने के बाद, तो हम पहुंच गए मार्च 2023 में। उस समय उन्होंने कहा था कि हम आपको, क्योंकि यहाँ पे जो था वो मार्केट प्राइस आपका चल रहा था 200, और यहाँ पे आपको जो ग्रांट किया था उन्होंने वो किया था 100 रुपीज, आपको बहुत अच्छा ऑफर ये लगा या नहीं लगा? यस सर। मार्केट प्राइस 200, और अभी आपको कह रहे हैं कि हम आपको इस दिन कितने में देंगे, 100 रुपए में। और आपका ये भी सोच रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में तो ये डबल ट्रिपल हो जाएगा 200 से, और हमें कितने में कह रहे हैं, 100 में। अब ये दिन जब आया एक्सरसाइज करने का, सब कुछ ठीक रहा, आपने जो है वो ग्रांट पीरियड वेस्टिंग सब हो गया, आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया, वेस्टिंग का लेटर मिल गया, आपने उसका कंफर्मेशन दे दिया, एक्सरसाइज का आपको लेटर मिल गया। अब एक्सरसाइज करने का डेट आया, आपके पास वो लेटर भी है, मार्केट प्राइस इस समय 50 है, क्या करना चाहेंगे? नहीं लेना चाहेंगे। एक्सरसाइज करना चाहेंगे? नो सर। आपके पास है या नहीं लेटर ऑफ एक्सरसाइज? यस सर है, लेकिन आप उसको जो है वो यूज नहीं करेंगे। तो ये आपके ऊपर च्वाइस है। तो यहाँ पे जो है वो आपने जो है वो क्या किया, आपको जो है वो लेटर ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम एम्प्लॉय मिल गया। बोर्ड मीटिंग कीजिए और सुटेबल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड फॉर अलॉटमेंट, जो भी जो है वो क्या कीजिए, अलॉटमेंट का टाइम है, जिन लोगों ने एक्सरसाइज किया उनको क्या कीजिए, शेयर अलॉट कर दीजिए। अलॉट करने के बाद अब उनको क्या प्रोवाइड कीजिएगा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। और चूंकि डीमेट फॉर्म में है तो उनके जो जो डिपोजिटरी है, यानी कि जहां उनका डीमेट अकाउंट है वहां वो चला जाएगा? यस सर। साथ ही साथ जो भी आपके डिपोजिटरी हैं उन तक संदेशा जाना चाहिए कि ये भी शेयर सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसका डेटा रखना है या नहीं जाना चाहिए? यस सर। अभी तक आपके 1 लाख शेयर थे, वो 1 लाख शेयर NSDL डिपोजिटरी है आपका, उनको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। अभी टोटल जो है वो मान लीजिए 10,000 और हुए हैं, तो ये जो है वो NSDL के पास जाएगा, तभी तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा, बचे हुए 10,000 शेयर, राइट? यस सर। तो NSDL जो भी डिपोजिटरी उसको बताइए। स्टॉक एक्सचेंज को अब क्या कहिए, इन प्रिंसिपल तो ले लिया था, उनको बोलिए क्या कर देने, लिस्ट कर देने के लिए। क्योंकि पहले जब पहले लिस्ट करा लीजिएगा या पहले जो है वो एक्सरसाइज होने दीजिएगा? पहले लिस्ट होगा फिर एक्सरसाइज। पहले लिस्ट। सोच के देखिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया, मुझे एक चीज बताइए, अगर लोग लेंगे ही नहीं तो उतने से लिस्ट करा के क्या कीजिएगा? आप 10,000 देना चाह रहे थे, पॉसिबल है कि सिर्फ 5,000 लोग लेंगे?
यस सर। तो मुझे बताइए क्या वो 5,000 शेयर इशू हुए? नो सर। आपने 10 बोला था, थोड़ा सा चेंज करते हैं जरा स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को और डिजिट को, पांच पांच नहीं रखते। 6,000 के लिए लोगों ने हाँ कह दिया, पॉसिबल, एक्सरसाइज कर लिया, पॉसिबल। यस सर। 4,000 नहीं किया। अब बताइए कि ये आप कंपनी होकर के कितना लेटर ऑफ अलॉटमेंट कितने शेयर्स के लिए देंगे लोगों को? 10,000 या 6,000 के लिए? 6,000 के लिए। तो मुझे बताइए आपने इशू कितना किया, 6,000 या 10,000? 10,000 के। मुक्का मारूंगा, 10 क्यों बोलते हैं, एक के भी जमानत पिछले कितने शेयर इशू किया फाइनली? 6,000। तो लिस्ट कितना कराना चाहिए? 6,000। जो शेयर इशू ही नहीं होते क्या वो लिस्ट होते हैं? नो सर। आप याद कीजिए हम लोगों ने कितना डिस्कशन किया था, इसीलिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेते थे, लेकिन फाइनली अलॉटमेंट होने के बाद लिस्टिंग के लिए जाते थे ना? यस सर। प्रोडेटा बेसिस वगैरह पे जिसको जितना दे दिया तब ना करते थे? हो सकता है कि आपका 92% सब्सक्राइब हुआ हो, पॉसिबल है या नहीं? यस सर। तो इशू तो फेल नहीं होगा 92% सब्सक्राइब होने पे? नो सर। लेकिन क्या लिस्ट 100% कीजिएगा या 92 कीजिएगा? 92। तो वो आपको लिस्टिंग परमिशन कितने शेयर्स का देंगे? क्या कंपनी को लिस्ट किया जाता है या शेयर को लिस्ट किया जाता है? शेयर्स को लिस्ट किया जाता है। ये सब लैंग्वेज याद रखिए, तो दिक्कत होगी ही नहीं। तो यहाँ पे 6,000 तो लिस्ट होने, तो मुझे बताइए सारा कुछ होने के बाद अब बोलेंगे ना सो अलॉटेड, इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो हमेशा पूरे का ही ना लेते हैं? यस सर। याद कीजिए ना, ऑफर डॉक्यूमेंट से तो पहले लेते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल, नहीं लेते हैं? यस सर। यहाँ पे भी देखिए ना, पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं लिया हम लोगों ने? यस सर। तभी ना गाड़ी आगे बढ़ी है, देखिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल यही तो ले लिया, अभी तो लोगों का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी नहीं आया है, कहाँ आया है? हो सकता है हमने 10,000 के बारे में बोला, हो सकता है 8,000 का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया, पॉसिबल है या नहीं? यस सर। तो अब तो 8,000 से आगे बढ़ेंगे, पता चला एक्सरसाइज करते समय इसमें से भी सिर्फ 3,000 लोगों ने एक्सरसाइज किया, पॉसिबल? Yes, sir. और सोच छोड़िए ना, पहले वेस्टिंग पीरियड तक जो है वो पता चला कि कुछ लोग निकल गए, जिन्होंने जो हाँ बोला था उसमें से 2,000 शेयर्स के लायक लोग निकल गए कंपनी से, पॉसिबल? यस सर। तो अगले फेज में ही तो 6 बचा वेस्टिंग, अब 6 ही को तो आप दीजिएगा एक्सरसाइज का। यस सर। और इसमें से जो है वो 5,000 ने किया, 1,000 फिर एक्सरसाइज नहीं किया, तो इस तरह से फाइनली 5,000 ही तो हमारा लिस्ट होगा, सही कह रहा हूँ? यस सर। ये बात बिल्कुल क्लियर है या जबरदस्ती कर रहे हैं? क्लियर है सर। ये सर क्लियर है। चलिए, रिसिप्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर ले लेंगे ना, रिसीविंग, कि हमने आपके शेयर्स को क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया, तो इधर डिपोजिटरी को दे दिया भाई कि रख इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में, इधर स्टॉक एक्सचेंज को कह दिया कि लिस्ट कर, इधर किसको अलॉट कर दिया, अपने एम्प्लॉय को। क्लियर है? यस सर। अब देखिए कुछ कंडीशंस को मैं यहाँ पे रिकैप कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल बनाने जा रहा हूँ। कंडीशन, देयर शैल बी प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और अगर नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन तो क्या करेंगे? हो गए एसआर पास करके, अमेंड करके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को या तो अमेंड करेंगे या आप इसको जारी नहीं कर सकते, बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ठीक है, एसआर शैल बी पास फॉर इशू, याद रखिए मैं लिस्टेड कंपनी के लिए बता रहा हूँ इसलिए ओआर नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंपनी लॉ में जो पढ़ते थे वो बिल्कुल सही बताए थे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो गलत नहीं है, वो भी क्या है, सही है सर, सही है, क्योंकि मैं सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी के बारे में। ठीक है, तो एसआर पास किया? यस सर। किसके लिए? इसोप के लिए सर, कि हमें इसोप जारी करना है इसके लिए। अब जब हम इसोप जारी करेंगे तो इसोप में कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर देती है, यही काम है ना इसोप में? यस सर। कितना कितना देगी कंपनसेशन कमिटी ने तय कर लिया है ना? यस सर। पढ़ा है हमने? यस सर। अगर किसी इम्प्लॉय को कितना दे रहे वो देखिए, 1% या 1% से ज्यादा, ज्यादा जो हमारा साइज है उसमें 1% या 1% से क्या कर रहे हैं, ज्यादा, तो हर उस इम्प्लॉय के लिए, ध्यान से, हर उस इम्प्लॉय के लिए क्या पास करेंगे, एसआर, एसआर या सेपरेट एसआर? सेपरेट एसआर, सेपरेट एसआर। हाँ जी, अंतर है दोनों में, एसआर और सेपरेट एसआर में। एक एसआर तो पास होगा कि मुझे इशू जारी करना है, चाहे एक शेयर का हो चाहे 100 शेयर का हो, क्लियर? यस सर। अब अगर मान लीजिए हम इशू जारी कर रहे हैं, तो इशू जब जारी करेंगे तो उसमें देंगे ना एबीसी एक्स वाई जेड इनामिनाडी का डायडेमिका चिकामिका निका जो जो है आपके इम्प्लॉय देंगे? यस सर।
उनको जब हम देंगे तो टोटल जो ईसोप जारी कर रहे हैं उसका अगर 1% से कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी इंप्लॉय को 1% से ज्यादा दे रहे हैं, वैसे 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, पॉसिबल? यस सर। जिन जिन इंप्लॉय को 1% या उससे ज्यादा देंगे उनके लिए सेपरेट हम क्या पास करेंगे? एसआर। और ये जो एसआर होगा वो इन एडिशन टू दिस होगा। क्लियर है? यस सर। मैं इस पे क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी यस बोला है सब लोगों ने, ठीक है। कंस्टिट्यूट करेंगे कंपनसेशन कमिटी, सेम ही चीज है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इसो कैन बी अमेंडेड थ्रू व्हाट? एसआर ओनली। क्या मतलब इसका पता है आपको? आपने वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड ये सब रखा था? यस सर। प्राइस वगैरह रखा था? यस सर। इट कैन बी चेंज्ड, बट इट कैन बी चेंज्ड ओनली एंड ओनली थ्रू एसआर। एसआर। और इसकी नौबत कब आती पता है? मार्केट बहुत गिरा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि लोग अभी भी एक्सरसाइज करें तो आपको कम करना पड़ेगा या नहीं? यस सर। तो अगर ऐसे चीज को आप कम करना चाहे, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहे, वैसे भी आपने लॉ में एक चीज पढ़ा है, द रिजोल्यूशन व्हिच इज पास्ड थ्रू द एसआर कैन ओनली बी अमेंडेड बाय एसआर, इट शैल नॉट बी अमेंडेड बाय द जूनियर रेजोल्यूशन और व्हाट इंफीरियर रेजोल्यूशन दैट इज ओवर। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये तो हमारा कहीं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है हमारे, मतलब इस चीज का, लॉ का। शेयर इशूड एंड अलॉटेड अंडर इसो शैल बी लिस्टेड, लेकिन लिस्ट कहां होगा? जहां पे कंपनी के बाकी शेयर क्या है? लिस्टेड है, ये कंपलसरी है। अगर एनएससी बीएससी दोनों जगह, तो दोनों जगह आपको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि एनएससी में जो है वो बाकी शेयर लिस्टेड है तो इसको कहां कर ले हम? बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपको जहां लिस्ट है वहीं पे ही इसोप में क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसोप इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? शेयर्स। और फर्दर शेयर्स दे रहे हैं कुछ शेयर्स, किनको? इंप्लॉय को। इशोप कैन नॉट बी ग्रांटेड टू, पढ़ी लिया था हमने, किनको नहीं दे सकते हैं? प्रमोटर को। प्रमोटर या प्रमोटर को नहीं दे सकते हैं भाई, क्योंकि इशोप का 3 पर्पस, रिटेंशन, मोटिवेशन एंड मनी। तो मनी छोड़ दिए, मनी तो हर किसी से आएगा जो भी लेगा, लेकिन क्या प्रमोटर को रिटेन और मोटिवेट करने की जरूरत है? नो सर। नो सर। अगर उनको रिटेन करने की जरूरत नहीं है तो देंगे ना उनको किसी और तरह से फैसिलिटेट करेंगे, मतलब कि प्रमोटर जो जी जान लगा के काम करे, विद डायरेक्टर जिसके पास 10% से क्या है ज्यादा की शेयर, 10% या उससे क्या है ज्यादा शेयर है, मुझे बताइए क्या उसे रिटेन करने की जरूरत होगी? कंपनी छोड़ के जाएगा? नो सर। अब इन लोगों को कैसे रिवॉर्ड दे कि ये और अच्छे से काम करे, वो एक अलग मसला होगा, लेकिन फिलहाल जो चीज हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं 3 पर्पस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें से इंपॉर्टेंट है रिटेन और मोटिवेट करना। तो इनको क्या रिटेन करना जरूरी है? नो, जरूरी तो है, लेकिन रिटेन करने के लिए कोई लालच देने की जरूरत? यस। इसीलिए हमने इनको इस दायरे से क्या रखा है? बाहर रखा है। अब इनको और कैसे फैसिलिटेट करेंगे, इसी से हम पहुंच जाएंगे अपने नए टॉपिक पे, इसीलिए इसको याद रखिएगा, इसी से हम पहुंचेंगे। पब्लिक इशू का ही हमारा पार्ट है, लेकिन मैंने बताया कि अलग अलग चैप्टर बन गए हैं आपके, बस तो यहां से देखिएगा हम कहां पे पहुंचेंगे, इनको कैसे अवार्ड देंगे, इनको स्वेट इक्विटी के रूप में रिवॉर्ड देते हैं, और इसीलिए क्योंकि इनको हम इसोप में रिवॉर्ड नहीं दे सकते हैं, और यही प्रमोटर है जो खून पसीना एक करके कंपनी को आगे करते हैं, या सिर्फ इंप्लॉय करता है आगे? नो सर, प्रमोटर इंप्लॉय तो बहुत बाद में पिक्चर में आता है, स्टार्टअप वगैरह देखते हैं ना, दुनिया भर की कहानी सुनते होंगे, आईआईटी किया, आईएम किया, सारी नौकरी छोड़ दी, जैसे तैसे करके अपने भी जेब खर्च के पैसे से जो है वो चीजों को आगे बढ़ाया। सुने हैं ये कहानियां या नहीं? गैरेज में दो फ्रेंड मिलकर के जो है वो बिजनेस खड़ा किया, तो कितनी देखते हैं आज बड़ा बड़ा एम्पायर जब बनता है, फेसबुक ये सब सुन करके मेटा खुश तो आप बहुत होते हैं, लगता है अरे भाई कितना बड़ा काम किया, लेकिन जब उनका रियल चीज सुनते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसे ही वो इतने बड़े आदमी नहीं बने, मेहनत पता चलता है नहीं? यस सर। स्कूल कॉलेज नहीं करके गैरेज में रह करके जो है जंक फूड वगैरह खा करके, हम आप कहेंगे सर जंक फूड तो अच्छा चीज है, ये उनके लिए अच्छा है जो हम और आप हर दिन रोटी चावल खाते, तो हमारे लिए जंक फूड क्या हो गया? एक टेस्टी चीज हो गया, कभी पिज्जा बर्गर खा लिए, जिनको घर का खाना ही नसीब नहीं होता क्योंकि उनके पास उस तरह के लोग नहीं या वो खुद बना नहीं सकते, उनके लिए बताइए क्या वो जो है वो ब्लेसिंग वाला चीज हो गया जंक फूड? नो सर। यस। उनके लिए तो कहिए बस ये है कि नहीं खाना है, इसलिए उस चीज को खा रहे। तो अब ये कंडीशन क्लियर है आपके सामने? यस सर। वो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, दिस वन और दिस वन, इसको ध्यान में रखिएगा। इन दोनों के बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन,
ठीक है, और इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आपको बनाना, और मैं इसमें एक वर्ड नहीं बोलूंगा, क्योंकि एग्जाम में क्या एग्जामिनर आकर के क्वेश्चन समझा के जाते हैं तब आप सॉल्व करते हैं? नो सर। सही सही बताइए, या सिर्फ क्वेश्चन पेपर रहता है जिसको पढ़ के सॉल्व करते हैं? जिसको पढ़ के सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्या वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके जाता है? नो सर। तो मैंने तो एक अच्छा काम कर दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, या कुछ दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उम्मीद करूं कि बिना क्वेश्चन समझाए हुए, ये लिखा हुआ तो साफ से है, टाइप किया हुआ है, मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं कि कहिएगा कि सर आप बहुत गंदा लिखते, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो दिख भी साफ रहा है। यस सर। यहां पहुंच करके आप मुझे रोकेंगे, कहां पहुंच करके? यहां पहुंच करके आप लिखना छोड़ेंगे। तो पहले क्या कीजिए, ये नहीं कि सर आगे बढ़ा दो, क्यों? क्योंकि इससे आगे करूंगा तो क्या दिख जाएगा? जवाब, आंसर। आंसर तो ये जब बस लिख लेंगे तो मुझे बोलेंगे कि सर ये हमने लिख लिया, अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर है? यस सर। लेकिन पहले यहां से लिखते चले आइए, क्योंकि पीछे से लिखे नहीं रहिएगा तो दिक्कत रहेगा, बीच में आपके कॉपी में वो थोड़ा गड़बड़ सा हो जाएगा। अब मुझे बताइए, ये तो हमने शायद लिख लिया था जहां तक मुझे याद है। यस सर। चलिए यहां से लिखना है, फटाक से डन कीजिए और मुझे बताइए। ये है 1, 2, 3, 4, ये 4 कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। सर डन। आगे नेक्स्ट पे सर डन। आई नेक्स्ट पे। यस सर। कर दिया फिर, कीजिए डन।
फाइनेक्स पे यहाँ आपको क्या क्वेश्चन बनाने हैं? यस सर। यस। अब इसको सॉल्व करें तब बताएं। इसमें मैं कोई भी आपको हेल्प अभी नहीं करूंगा, मैं आंसर के बाद आपसे बात करूंगा। जब आप डन कर लेंगे तो दो मिनट आपको दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर लिखना हो गया है तो करके मुझे बताएं। Done, sir. फाइनल आंसर क्या है? सर एक एसआर देंगे इस शॉप पास करने के लिए और सेवन सेपरेट एसआर एम्प्लॉयज को देने के लिए। सर टोटल 15। सर मेरा भी सेम आंसर है, 8 एसआर। सर सेम मतलब कितना? 8। बाकी भक्तजनों आप लोग कहाँ हैं? यही 4-5 लोग हैं या और कोई है? सर 8 ही होंगे। सबका 8? यस सर सबका 8। रुकिए जरा, बहुत दिन हुआ शिकार किया। हाँ जी अंश आपका कितना है? सर अगर AOA में वो है, क्या कह रहे नितिन? प्रोविजन अगर AO में, AOA में प्रोविजन है तो 7 होंगे, अगर AO में प्रोविजन नहीं, AOA से लेना देना नहीं है, AOA को मान के चलते AO में प्रोविजन है, तभी तो मैंने टिक लगाया था, उन दो पॉइंट को ध्यान में रखेंगे जब ही ये करने जा रहे हैं तो AO तो इसका मतलब ओके है, AOA के बाद सोचना है आपको। 8 है सर। हाँ जी अंश कीजिए अनम्यूट अपने आप को। हर्षिल, इंद्रमोहन, इंद्रमोहन बहुत दिन से बहुत शांत है, कुछ नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी नाम देखा तो याद आया। हाजी इंद्रमोहन क्या है आपका आंसर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंश की भी नहीं आई, हर्षिल ने भी कुछ नहीं कहा, मलिका
ये सब हमेशा म्यूट पे ही रहते हैं। हाँ जी बच्चे, क्या कहना है आपका? मलिका सर, 8 SR होंगे। 8 SR हो गया, थोड़ा बोलते रहा कीजिए तो इंटरव्यू की अच्छी प्रैक्टिस होगी। इंद्रमोहन कुछ कह रहे हैं लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, शायद आपका माइक्रोफोन में गड़बड़ी हो। हर्षिल है आपका आंसर कुछ? मुस्कान आपका क्या कहना है? सर 8 होंगे। 8? हाँ जी सर। ठीक है। निशांत सर 8 होंगे। किन्हीं का भी 8 के अलावा कोई आंसर है? सर मेरा 10 आ रहा है। हाँ जी ऋचा कितना है? 10 किसी का तो अलग आया, चलिए 10 हुआ। अब 8 और 10। सत्यम एक बार फिर से बोलिए। आपके माइक में कोई इशू है? कोई बात नहीं, नहीं कुछ समझ में आया मुझे। चलिए करते हैं। रिचा आपने क्यों बोला 10? आपका अलग है, करके देखें। कौन एक्सप्लेन करेंगे? कीजिए सर। 1 SR पास होगा इस ऑप को पास करने के लिए, और फिर 1 F जी का मिस्टर जी के 1% से कम है तो उनके लिए ऐसा पास नहीं होगा, तो रिमेनिंग 7 के लिए 1 SR इस ऑप के लिए ठीक है, और बाकी 7 SR एम्प्लॉय 1% और मोड के लिए, ये कहना है आपका? यस सर, सेपरेट है सर। देखिए कौन कौन से एम्प्लॉय है, 10% कितना हुआ, कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 10,000 का 10% निकल जाएगा। यस सर, 10 शेयर्स। कितना हो गया? 10 10% निकालना है या 1% निकालना है? 1% 10 हो गया। चलिए देखते हैं किनको किनको 10 या उससे ज्यादा दिया। इनको दिया सर, जी को छोड़ के सबको। चलिए सबको दिया, सिर्फ जी को छोड़ के। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 SR को पास करना पड़ेगा 7 employee के लिए, और 1 किसके लिए? इशोक के लिए। तो टोटल क्या हो गए? 8 हो गए। हाँ जी रिचा, 10 कहाँ से आया? हाँ लगता है इनको पराठे पे ध्यान चला गया है, डिनर करके बैठे हैं ना। ठीक है चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं इंप्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। अभी हमने कौन सा देखा? इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इंप्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम और इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन थोड़ा सा बस अंतर है एक पॉइंट का, और वो पॉइंट क्या है? यहां पे आप जो वेस्टिंग ग्रांटिंग एक्सरसाइज करते थे उसको यहां इन्होंने बाईपास किया, आपको डायरेक्टली शेयर दे दिया। अब आप कहेंगे सर शेयर दे दिया तो ये टाटा गुड बाय भाग जाएंगे, पॉसिबल? हाँ या ना? यस सर। ऑब्वियसली बात है, मिल गया इंप्लॉय को, चला गया तो अब क्या करना, कहां से वो रिटेन हुआ। अब यहां क्या है कि आपका ये जो है 1 साल का यहां क्या लगा हुआ है? लॉक इन पीरियड जो है वो लगा हुआ है। तो देखिए वहां भी आपने वेस्टिंग के जरिए रोका था और यहाँ पे देने के बाद आपने रोक दिया, तो बात तो एक ही हो गई ना। यस सर। तो अब जो सुटेबल लगे वो कंपनी इशू करे, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल सेंस में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन है। क्लियर है ये बात? यस सर। अब इस पॉइंट को देखिए, वेयर शेयर्स आर अलॉटेड बाय कंपनी अंडर इंप्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम इन लियू ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय अ पर्सन अंडर एंड इंप्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम इन अनदर कंपनी विच हैज मर्ज और अमलगमेटेड विद द फर्स्ट मेंशन कंपनी द लॉक इन पीरियड। ये पॉइंट मुझे समझा दीजिए तो मुझे बहुत खुशी होगी।
आपके कॉम्प्रिहेंशन पे, आप खुद देखिए इसे, पढ़िए और मुझे एग्जांपल दे करके समझाइए, जैसे मैं आपको समझाता हूं। मैं समझिए स्टूडेंट हूं, आप टीचर है, मुझे ये पॉइंट समझाइए। सर अगर जैसे कि किसी ने टाटा के शेयर्स लिए हुए हैं, और किसी ने, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने टाटा में उसको ईएस परचेज स्कीम के अंदर शेयर्स उसको मिले हुए हैं, मतलब लिए हैं उसने, एंड उसने फिर जैगवार के भी लिए हुए थे पहले, बट वो कंपनी जब मर्ज हो जाती है और जब जैगवार के 6 महीने से लॉक इन पीरियड चल चुका है 1 साल का, तो बाकी का 6 महीने वो टाटा वाले में एडजस्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, कंपनी जो है वो मर्ज हो गई, वेरी गुड। एक कंपनी थी, वो कंपनी जो है वो मान लीजिए कि आपका जो है आर्सेलर मित्तल ऐसे बड़े सारे कंपनी का जो है आपका जो है क्या हुआ है, मर्जर हुआ है। तो अब मान लीजिए कि एक कंपनी और यहाँ पे है बी कंपनी, ठीक है। एक कंपनी में मिस्टर एक्स के पास शेयर था, इनको इंप्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में शेयर मिला 2022 के मान लीजिए अक्टूबर में। ये कब तक लॉक इन में रहेगा? मार्च तक, अक्टूबर में मिला है सर उसको, अक्टूबर 2023 तक रहेगा लॉक इन, एक साल का लॉक इन होता है, ठीक है। 2023 तक लॉक इन रहेगा, अक्टूबर 2023 तक। अब हुआ क्या कि कुछ ही दिनों के बाद, और वो दिन मान लीजिए कि अप्रैल 2023 में एक कंपनी मर्ज हो गई, किसमें? बी कंपनी। पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल, यस सर। अब अगर ये मर्ज हो गई तो ऐसे केस में एक कंपनी के शेयर होल्डर्स को किस कंपनी का शेयर मिलेगा? बी का। तो एक कंपनी के शेयर होल्डर जो मिस्टर एक्स, इनके पास इंप्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में जो शेयर मिला था उसके बदले में इनको बी कंपनी का शेयर मिला, लेकिन ये शेयर लॉक इन कब तक है? अक्टूबर 2023 तक। लेकिन अब इनको बी कंपनी का जो शेयर मिला है 2023 में मिला है, अप्रैल 2023 में, तो क्या इसे अप्रैल 2024 तक लॉक इन में रखिएगा या 2023 के जो है वो अक्टूबर तक लॉक इन में रखिएगा? कहां तक रखिएगा? अक्टूबर 2023। क्लियर है ये बात? जितना समय इन्होंने यहां काट लिया वही तो एक्सटेंशन होकर के यहां आया है, तो इनको ये जो शेयर मिला है ये भी लॉक इन में रहेगा वैसे ही जैसे इनको मर्जर में कोई दूसरा शेयर नहीं मिला बल्कि उसी कंपनी का शेयर है। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखिए जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, इस स्कीम के तहत हम एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करते हैं ये देखिए। हमने कहा 5 तरह के स्कीम है, कौन कौन सा पढ़ लिया? ऑप्शन स्कीम पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ा? परचेज स्कीम पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं जनरल इंप्लॉय बेनिफिट स्कीम, कंपनी अपने इंप्लॉय को बेनिफिट देना चाह रही है। ये बेनिफिट किस तरह का है वो देखिए, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल केयर, सिकनेस, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी, डेथ और स्कॉलरशिप फंड अपने बच्चों के लिए, या कोई और जो कंपनी स्पेसिफाई करती है। अगर ये कंपनी देना चाहे तो क्या रेगुलेटरी बॉडी मना करेगी देने से? सोच के देखिए। नो सर। लेकिन कहीं कोई कंसर्न है जिसके कारण ये किया गया है, करे जितना देना है, थोड़ा सा कंसर्न है इन चीजों के लिए भी कितना पैसा खर्च करे, क्या सारा का सारा प्रॉफिट इनको ही बांट दे या शेयर होल्डर्स के लिए भी कुछ बचे? शेयर होल्डर्स के लिए भी बचे। इंप्लॉय के बारे में सोचना बहुत सही बात है, लेकिन क्या सारे इंप्लॉय शेयर होल्डर होते हैं? नो सर। कंपनी तो शेयर होल्डर की है, तो क्या उनके बारे में से भी नहीं सोचेगी? यस सर। लेकिन क्या इंप्लॉय के बारे में ना सोचा जाए? वो भी सोचा जाए। वो भी सोचा जाए। तो कहा गया कि कुछ ऐसे करके सोचा जाए कि ये ना हो कि सारा का सारा इन्हीं चीजों में चला जाए, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, कहा जनरल इंप्लॉय बेनिफिट स्कीम के तहत शैल कंटेन द डिटेल ऑफ ए स्कीम
एंड द मैनर इन विच स्कीम शैल बी इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड. साफ तौर पे बताए कि किस चीज में कितना पैसा और किस तरह से देने वाले हैं. थिकनेस बेनिफिट का बहुत बड़ा मतलब हो सकता है आप क्या देने वाले हैं. क्या टेस्ट के पैसे देंगे, ओपीडी के पैसे देंगे, हॉस्पिटलाइज होगा तो देंगे. स्कॉलरशिप मुझे बताइए बहुत वेट टर्म है या नहीं है. यस सर. क्या आपने इंप्लॉय के बच्चे को पढ़ाने के लिए हार्वर्ड का सारा खर्चा उठा लेंगे या कुछ आपने लिखा है वहां, तो इसका मतलब वो लिखा हुआ होना चाहिए क्लियरली या नहीं. यस सर. डिसेबिलिटी में तो देने के लिए बहुत कुछ है. आप अपने जमीन जायदाद सब दे दीजिए अगर कोई इंप्लॉय डिसेबल हो गया. साफ तौर पे बताना पड़ेगा या नहीं कि कितने परसेंट के डिसेबलमेंट पे कितना हम क्या देंगे. यस सर. और किस केस में लीगल हायर को देंगे, कहा वो चीज बताइए. लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, सेबी ने कहा हमारे ये पैसे जो है हमारे शेयर होल्डर के हैं. अच्छा जरूरी है इंप्लॉय का ध्यान रखेंगे तो इंप्लॉय टिक के रहेंगे तो अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा. पहुंचा बात शेयर होल्डर पे ही. लेकिन लेकिन कितना पैसा खर्च कीजिएगा उसके लिए उन्होंने कहा कि किसी भी समय देखिए जरा एट नो पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी शैल एक्सीड 10% ऑफ बुक वैल्यू, या तो बुक वैल्यू का या मार्केट वैल्यू का या फेयर वैल्यू जो उनके पास टोटल एसेट है, whichever is lower as appearing in the latest balance sheet for the purpose of general employee benefit scheme. आपके total asset का 10% से ज्यादा हिस्सा, वो भी जो lower होगा, higher नहीं लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? Lower. आपके asset का value हो सकता है book value कुछ और हो, possible या नहीं. Yes sir. Market value कुछ और हो. Yes sir. अगर ऐसा है और फेयर वैल्यू कुछ और हो, तीन अलग अलग चीज हो सकता है. पढ़ते ही आप रिटेन्ड ऑन वैल्यू सब कुछ पढ़ते हैं, WDV वगैरह. यस सर. कहा गया कि इनमें से जो सबसे कम होगा वो लिख लीजिए. अगर वो निकल करके आया 1 करोड़ तो बताइए जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा कितना आप पैसा खर्च कर सकते हैं. 1 करोड़. अगर टोटल आया है वैल्यू आपका जो सबसे नीचे वैल्यू आया है वो मान लीजिए 1 करोड़ आया है, कितना खर्च कर सकते हैं. बस 1 करोड़. 1 करोड़ 10 लाख. अरे 1 करोड़ तो खर्च कितना कर सकते हैं. 10% ना इसका. 10% अगर ये वैल्यू 1 करोड़ आया है तो इसका 10% का मतलब 10 लाख. इससे ज्यादा किसमें, चाहे आप एक्सीडेंट वाले में दीजिए, चाहे सिकनेस में दीजिए, डिसेबिलिटी में दीजिए, डेथ में दीजिए, स्कॉलरशिप के नाम पे दीजिए या और किसी भी नाम पे दीजिए, ये टोटल एक्युमुलेट होकर के कितना पड़ना, कितने से ज्यादा का लोड कंपनी पे नहीं होना चाहिए. क्लियर है ये बात. यही आपका जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम. बढ़े आगे. यस सर. इन सब में टेक्निकलिटी नहीं है, ये बस थोड़ा था. रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या हुआ, आपके काम में रहते पे मिलेगा या बाद में. बाद में सर. बाद में. खराब बात तो नहीं है. नो सर. नो सर. लेकिन जरा सोच करके देखिए कंपनी पे बर्डन पड़ा नहीं पड़ा. यस सर. यस सर. आपको अगर पता हो तो रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट जॉब से हटा दिया गया है 2002 के बाद से. ध्यान होगा, सुनते होंगे. Yes, सरकारी नौकरी में भी अब रिटायरमेंट में पेंशन का स्कीम नहीं है. यस सर. 2002 के बाद से जो पहले के उनको मिलता है. यस सर. क्योंकि बर्डन होता था, अब इनपे डाला गया कि ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है. अगर कर रहे हैं वेलफेयर वर्क कर रहे हैं. यस सर. अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट में जो है वो लोगों को जो है वो अलग अलग तरह से अमाउंट प्रोवाइड करेंगे तो आखिर कंपनी का पैसा जाएगा. यस सर. और अगर जाएगा तो किसको कम मिलेगा. शेयर होल्डर को. क्योंकि सब कुछ बटने के बाद जो निकल के आता है वो क्या कहलाता है. डिविडेंड सर. उसका प्रॉफिट. वो डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट कहलाता है. यस सर. तो ये डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन उससे पहले इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कह रहे बिल्कुल दीजिए. लेकिन यहां भी एक बात बता दिया, स्कीम जो भी है वो क्या कीजिए, डिटेल साफ साफ बताइए. रामदीन को कितना, हरिया को कितना, राम खिलावन को कितना और किस तरह से किसको कितना दे रहे हैं, किस बेसिस पे दे रहे हैं, लास्ट ड्रॉन सैलरी के बेसिस पे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, जो ज्यादा रिवॉर्डेड थे क्या क्राइटेरिया क्या है, डिटेल बताइए. और दूसरी बात क्या बोला, रिटायरमेंट बेनिफिट में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा खर्च कर सकते हैं. 10% ऑफ बुक मार्केट. सेम चीज. 10%, चाहे ये फेयर वैल्यू से आया हो, चाहे वो WDV जो आपका बुक वैल्यू से आया हो, चाहे मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग आया हो.
जो सबसे कम होगा उसका कितना परसेंट मैक्सिमम? 10%. 10%. इससे ज्यादा का आप नहीं दे सकते. क्लियर है? यस सर. यही है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम. तो चार हमने पढ़ा, कौन कौन सा? ऑप्शन स्कीम, ऑप्शन इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, उसके बाद बेनिफिट स्कीम, जनरल इम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम. अब फिफ्थ पे आइए, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम. ये क्या कहता है? इसके तहत स्टॉक एप्रिसिएशन राइट में आपको जो है कंपनी ग्रांट स्टॉक एप्रिसिएशन राइट टू शेयर. अब ये क्या करता है, इसमें कंपनी शैल हैव फ्रीडम टू इंप्लीमेंट कैश सेटल्ड और इक्विटी सेटल्ड ऑन स्टॉक एप्रिसिएशन राइट. इन केस ऑफ इक्विटी सेटल्ड, इफ द सेटलमेंट रिजल्ट इन फ्रैक्शन, देन द कंसिडरेशन शुड बी गिवन इन कैश. द इंप्लॉय शैल नॉट हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड और वोट इन अ मैनर टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ. आपको जो शेयर्स दिए जाएंगे इसमें ना आपको जो है वो क्या मिलेगा, डिविडेंड, और ना क्या मिलेगा, वोट. आपको जो शेयर्स देंगे, स्टॉक देंगे, उसका नाम होगा स्टॉक एप्रिसिएशन राइट. तो आप कहिएगा ये लेकर के क्या करेंगे, आएगा ना ये क्वेश्चन, ना उस पर डिविडेंड है ना वोट है, फिर क्या करेंगे, गले में लटका के घूमेंगे? नो, जो उसका प्राइस इंक्रीज होगा वो आपका. हाँ, तो एक चीज बताइए, कुछ मिला ही ना आपको या कुछ ले लिया गया आपसे? मिलेगा. अब जो आपको वो मिला उसको दो तरह से वो सेटल करते हैं. जो आपका एप्रिसिएशन हुआ, अगर मान लीजिए 100 रुपए का वो था, ठीक है, अब प्राइस हो गए 50 और आपके पास थे 10 ऐसे स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कितना वैल्यू बढ़ गया आपके स्टॉक एप्रिसिएशन का. फिर से बोलूं? यस सर. आपके पास टोटल जो है वो कंपनी ने 10 जो है वो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट दिया, 10 स्टॉक दिए, ठीक. यस सर. अब ये जो आपको दिया तो ये जो है वो 100 रुपए का था एक, अब इसका प्राइस हो गया 150, पॉसिबल 50 रुपए बढ़ गए हर शेयर पे. यस सर. आपका स्टॉक कितने से बढ़ गया? 50 से सर. 50 रुपए एक ना, पूरा स्टॉक कितने से बढ़ गया? 500 से सर. स्टॉक का मतलब जो कंप्लीट आपको 10 सेट मिला है 500 रुपए से. यस सर. तो कंपनी आपको या तो ये 500 रुपए दे सकती है या इसके बदले में इक्विटी शेयर दे सकती है जो कि इस समय जो है वो 100 रुपए का है. तो इसका मतलब बदले में 5 और क्या दे देगी, शेयर दे देगी, इक्विटी शेयर. ये वाला जो इक्विटी शेयर है आपका, ये इक्विटी शेयर्स जो है वो इस पे आपको जो है वो सब कुछ मिलेगा. क्या मिलेगा? डिविडेंड, डिविडेंड और वोटिंग, क्योंकि ये आपको कैश के बदले में दिया गया. लेकिन ये जो आपको 10 दिया गया इस पे डिविडेंड और जो है वो क्या नहीं मिलेगा, वोटिंग नहीं मिलेगा, राइट नहीं मिलेगा, ठीक है. ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे 11 मिले थे स्टॉक. यस सर. एसआर के पॉसिबल? यस सर. अब मेरे स्टॉक का वैल्यू कितना एप्रिसिएट हुआ? 50. इतना फंस जाते हैं आप लोग. 550 सर. कितना? 550. शेयर्स का इस समय वैल्यू कितना है? 100. यस सर. अब मुझे बताइए मैं 550 कैसे दूं? 10 शेयर दूं और एक को आधा फाड़ के दे दूं, दो लोगों में आधा आधा कैश में सेटल होगा सर. तो ऐसे केस में 10 आपको दे दूंगा क्या, इक्विटी शेयर दे दिया. यस सर. 500 रुपए के और 50 रुपीज कैसे पकड़ा दिया, कैश. कैश हो गया सेटल फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए. यस सर. यस सर. ये तो कैश मिला तो घर लेके जाइए, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश कीजिए. और ये जो 10 मिला है इस पे डिविडेंड वोटिंग राइट सब मिलेगा या नहीं? यस सर. मिलेगा. मिनिमम वेस्टिंग कितना है? 1 ईयर. ऐसा इसीलिए कि ये नहीं कि ये मिला और, क्योंकि ये सीधा सीधा क्या है, इक्विटी ही तो एक तरह से, नहीं है? यस सर. आज मिला टाटा गुड बाय, कम से कम कितने दिन रुकिए? 1 ईयर. 1 साल. 1 ईयर. अच्छा, टाइम इन केस ऑफ मर्जर शैल बी इंक्लूडेड अंडर 1 ईयर. ये बात क्लियर है? अगर कहीं इस बीच में हम किसी कंपनी के साथ मर्ज हो गए
तो जितने दिन तक हमने रखा हुआ था वो काउंट होगा, ये नहीं कि फिर से नया एक साल का जो है वो वेस्टिंग नहीं शुरू होगा। एग्जाम्पल याद है, दोबारा बोलू, जैसे परचेज स्कीम में था, क्या जैसे परचेज स्कीम वाले में था, बिल्कुल। अगर एक साल का लॉक इन है, एक साल का वेस्टिंग पीरियड है, इसका मतलब है कि आज अगर मिला है तो एक साल तक का वेस्टिंग पीरियड है। इस बीच में अगर कंपनी छह महीने बाद किसी दूसरे कंपनी में मर्ज हो गई तो क्या वहां से फिर एक साल शुरू होगा? नो सर, नो। वहां से सिर्फ और कितने महीने, डिपेंड करते कब मर्ज हो, बचे हुए सिक्स मंथ्स। क्लियर है? यस सर। जो ठीक हमारा यहाँ पे था अक्टूबर वाला, वही चीज है। चलिए अब यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ स्कीम, जो आपका एम्प्लॉय का जो बेनिफिट स्कीम है, बनाया ना आपने स्कीम, कौन कौन सा बनाया? एम्प्लॉय स्टॉक, एम्प्लॉय ऑप्शन पर, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज ऑप्शन स्कीम, परचेज स्कीम, यस सर, एम्प्लॉय जनरल बेनिफिट, जनरल एम्प्लॉय स्कीम, उसके बाद क्या था, रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, फिर क्या था, स्टॉक एप्रिसिएशन, स्टॉक एप्रिसिएशन बनाया। यस सर। तरीके से इसको इंप्लीमेंट कंपनी डायरेक्टली करे, कंपनी अपने भीतर ही कमिटी बना करके, या इसके लिए क्या बना ले, एक ट्रस्ट बना ले, ट्रस्ट बना ले जो इन सारे स्कीम को क्या करे, ध्यान में रखे। ये नहीं कि बोल तो दिए बड़े बड़े बोल वचन लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। याद कीजिए ना, ट्रस्टी क्या करता था, डिवेंचर ट्रस्टी कंपनी ही अपॉइंट करती थी और कंपनी के ऊपर ही निगरानी रखता था, या नहीं, डिवेंचर होल्डर के बेनिफिट के लिए? यस सर, यस सर। लेकिन क्यों बनाना जरूरी था, क्योंकि पप्पा जी ने, किसने, सेबी, सेबी ने बोला था कि पब्लिक के बीच में जाकर के क्या करोगे, डिवेंचर इशू करोगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हम जो एक वर्ड कुछ अब देखेंगे, छोटे छोटे वर्ड, ये है, पहले आप यहां तक कीजिए तो बात करते हैं, यहां तक पहले करके तब बताइए, इसको क्लीन कर देते हैं, बहुत ज्यादा इसमें इस यहां तक तो किया हुआ था। यहां से खींचे सर, इसे पीछे वाली स्लाइड दिखा दोगे, कौन सी है, क्या इससे पीछे वाली, इसकी लास्ट वाली स्लाइड, ये चलिए तो हो गया, सही तो हो गया था, चलिए तो कीजिए ये।
आए नेक्स्ट पे। यस सर। बोलते जाएंगे। डन सर। आइए नेक्स्ट पे। ये भी डन। ओके क्या करना है सर? बैक कर दीजिए। नहीं हुआ है? नो सर। कर दीजिए बताएं। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे। यस सर।
सर डन नेक्स्ट पे आइए वेट सर कीजिए बताइए डन सर नेक्स्ट पे आए डन सर
डन सर सबका डन यस सर आइए हम लोगों ने इम्प्लॉय के बेनिफिट के पांच स्कीम देख लिए। अब इसमें यहाँ पे दो बातें हमें देखनी है, एक तो जो हम यहाँ पे रेलिवेंट डेट वगैरह कहते हैं वो कौन सा रहेगा, और दूसरा कंपनसेशन कमिटी को लेकर के कुछ और, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में कंपनसेशन कमिटी पे शॉर्ट नोट्स आ जाता है। ये तो रहा इसी का छोटा सा पार्ट, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि आपने इतने सारे बेनिफिट इम्प्लॉय को दिए, लेकिन प्रमोटर और वो डायरेक्टर जिनके पास 10% या उससे ज्यादा शेयर्स है, 10% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, उसने या उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है कि उनको आप कोई भी बेनिफिट इस तरह का नहीं दे रहे, ना उनको इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे रहे ना कुछ। इसके पीछे क्या वजह, कहा कि भाई वजह कुछ नहीं है, कोई बुरी नीयत नहीं है, लेकिन जिस पर्पज के लिए हम इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम देते हैं वो है रिटेन करना। कहा रिटेन करने की उनको जरूरत नहीं, कहा लेकिन वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, उनको इनके मेहनत के बदले में कुछ मिले या ना मिले, कहा कि वे खून पसीना एक किया है उनको भी कुछ देंगे, और कहा चूंकि खून पसीना एक करके कंपनी को एक खास मुकाम तक पहुंचाते हैं तो उन्हें हम स्वेट इक्विटी देंगे। क्या देंगे? स्वेट इक्विटी। अब स्वेट इक्विटी बेसिकली है क्या, क्या कंडीशन उसके लिए है जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, और तब हम लोग आ जाएंगे अपने कुछ मिसलेनियस एस्पेक्ट में, और वो एस्पेक्ट हमारा होगा कि हमने कहा कि मिनिमम 3 डेज के लिए ओपन रहता है, 10 डेज के लिए क्लोज, उस बीच में अगर हमें कम अलॉटमेंट आ रहा है, हम प्राइस वगैरह को रिवाइज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, क्या दोबारा से हम उसे ओपन कर सकते हैं प्राइस को कम करके, क्योंकि बुक बिल्डिंग में हमारा सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। इन चीजों को हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।